हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर में रखे सिंपल सामान से आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी दही आलू की सब्जी। एक बार इस सब्जी को आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो दही वाले आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आलू और इसे हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हम कट करेंगे कुछ इस तरह से। तो इसे हम बड़ा बड़ा कट करेंगे, तो एक आलू में से चार पीस, तो कुछ इस तरह से। तो सारे आलू को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी ली है उसमें से आप दो या तीन लोगों के लिए आसानी से ये सब्जी बना सकते हैं। तो आलू को कट कर लेंगे और इसे धो लेंगे। उसके बाद इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। पानी डाल देंगे, तो पानी हम इतना ही डालेंगे कि ये जो आलू है उसमें डूब सके, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। नमक भी डाल देंगे अच्छे से, इसे मिला के अराउंड एक सीटी करेंगे। तो एक सीटी में ये आलू अच्छे से पक जाएंगे, ज़्यादा सीटी करेंगे तो ये आलू गल सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हम रखेंगे इसे। चलिए इसका पानी जो है वो निकाल देते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट हम दही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप दही, और जो दही है वो हल्का खट्टा है, तो ऐसा ही दही हम यूज़ करेंगे ये सब्जी बनाने के लिए। और उसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच बेसन, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक बने और जो दही है वो बिल्कुल फटे नहीं। बेसन डालने से हमारी जो दही है वो बिल्कुल फटेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आलू को हमने बॉयल कर लिया है और दही में मसाले भी डाल दिए हैं। तो चलिए अभी हम बनाते हैं दही वाले आलू। उसके लिए हम लेंगे तेल आधा कप जितना, और उसके अंदर हम डाल देंगे जीरा एक चम्मच जितना, छोटी चम्मच, थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, एक तेज पत्ता डाल देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो ये जो हरी मिर्च है उसमें से जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, फिर उसको ऐसे बड़ा बड़ा कट करके इसमें डाल दिया है। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए इसे भी हम कुक करेंगे। तो अभी हमने जो मसाला दही बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। और इसे हम बीच बीच में कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम। तो दो से तीन मिनट में आप देखेंगे कि जो तेल है वो पूरा ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा जो दही है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो ये देखिए, पूरा जो तेल है वो ऊपर आ चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला एक चम्मच। गरम मसाला हम स्टेज पे ही डालेंगे, अगर पहले डाल देंगे तो जो कलर है सब्जी का वो थोड़ा ब्लैक हो सकता है, इसलिए इसमें हम आखिर में ही डालेंगे जो गरम मसाला है वो। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अगर लगे कि जो ग्रेवी है थोड़ी थिक हो रही है तो थोड़ा सा हम पानी इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो। इसमें हम डाल देंगे गुड़ एक चम्मच जितना,
तो गुड़ डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि दही खट्टा होता है तो थोड़ा सा मीठा करने के लिए गुड़ भी डालेंगे इसमें। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। तो ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया सी खट्टी मीठी ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। अभी इसमें हम डाल देंगे जो बॉईल किए हुए आलू है वो। तो आलू जो है वो ठंडे हो चुके हैं, ताकि जब हम आलू को इसमें डालें और इसे मिक्स करें तो जो आलू है वो टूटे नहीं। इसे हल्के हाथों से हम मिला लेंगे इसमें। तो एक बहुत ही बढ़िया सी दही आलू की सब्जी तैयार है हमारी। गैस को कर देते हैं बंद। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, एक बार मिला लेंगे। तो चलिए अभी इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो आप इसका मजा लीजिए गर्मा गर्म रोटी के साथ। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक प्रेस करना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।